नमस्कार, अर्थप्रकाश टीवी की वेबिनार में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा नमस्कार। कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से देश और समाज पूरी तरह से संकटग्रस्त रहा और अभी भी कोरोना के देश भर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सरकार ने बेशक लॉकडाउन खोल दिया है, लेकिन अभी भी हमें एहतियात बरतने की पूरी पूरी जरूरत है, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं। बात ये आई कि सभी ने कोरोना वॉरियर के रूप में, कोरोना योद्धाओं के रूप में सरकार और समाज का पुरजोर साथ दिया, अपने परिवार को भी बचाया और समाज में जहां जहां पे अपनी अपनी भूमिका हो सकती थी उसमें, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे समाज के विभिन्न वर्ग के अलग तरीके के लोग हों, चाहे सेनाएं भी हों हमारी, सभी ने अपना पुरजोर साथ दिया और एक दूसरे के साथ खड़े रहे। कहीं ना कहीं महिलाएं, जो कि किसी भी समाज की संरचना का सबसे बड़ा पिलर होती हैं, वो भी योद्धा के रूप में नजर आई। और हम लोगों की वेबिनार का आज का जो चर्चा का टॉपिक है वो भी यही है, कोरोना वॉरियर के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में महिलाओं की जो एक सार्थक भूमिका रही है, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ वेबिनार में कमलेश बनारसीदास जी, फॉर्मर मेयर हैं, चेयरपर्सन है चंडीगढ़ से, एकता नागपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी डिस्ट्रिक्ट मोहाली से, गुरबख्श रावत जी हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिलर हैं चंडीगढ़ वार्ड नंबर 9 से और एक्स डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं, डॉक्टर संतोष दहिया जी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट विमेन खाप महापंचायत हरियाणा से, हीरा नेगी जी हैं काउंसलर चंडीगढ़ से वार्ड नंबर 13 से और पहले सीनियर डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं, जसबीर कौर जी नायब तहसीलदार डेराबस्सी से, सरोज चौबे जी जनरल सेक्रेटरी शिवानंद चौबे मेमोरियल ट्रस्ट चंडीगढ़ से, सुनीता धवन जी बीजेपी प्रेसिडेंट महिला मोर्चा और काउंसलर चंडीगढ़ वार्ड नंबर 4 से, मीनू जी हैं चंडीगढ़ से, रंजना जी हमारे साथ हैं, शीला देवी जी हैं काउंसलर चंडीगढ़ वार्ड नंबर 5 से और एक्स डिप्टी मेयर, डॉक्टर रमनदीप कौर सोही हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मेडिकल लाइन पे। डेराबस्सी में आप इस वक्त एचओडी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा हीरा नेगी जी से। नेगी जी, मुद्दा आपको पता है, कोरोना योद्धा के रूप में आपने समाज, परिवार और अपनी जो राजनीतिक जिम्मेदारियां उनको बखूबी निभाया, हम सब जान रहे हैं। साझा करें आप थोड़ा सा कि किस तरह से ये एकदम से जब ये प्रॉब्लम आपको दिखी तो किन पैरामीटर्स पे आपने सबसे पहले ये तय किया कि समाज को, परिवार को बचाने के लिए आपको किन-किन तरीकों से आपको एकजुट रहना है? सबसे पहले तो मैं अर्थ प्रकाश के जो हमारे महावीर जैन जी हैं उनको मैं बधाई देती हूँ। आज उन्होंने एक प्रयास किया महिलाओं के माध्यम से, और आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने सारी बहनों को जोड़ा इसमें। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो कोरोना वायरस के बारे में आप कह रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि हम एक गृहिणी और एक काउंसलर होते हुए समाज के प्रति आज जिन परिस्थितियों में हम लोग हैं, और परमात्मा ने हमें एक सीख दी है, और आज उस सीख के माध्यम से जो एक पुराना समय था हमारा, आज हम उसी समय पर आ गए। और अपने जो हमारे मेडिकल के लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो हम सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं, हम आज आईटी के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि हम उन लोगों तक, उनके घरों तक पहुंचे, और हम अपनी सेवाएं टेलीफोन के माध्यम से उनका हाल चाल पूछ के, और उनको हम क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। अपनी कॉलोनियों के लिए पैक खाना हमने प्रोवाइड किया है उनको, और अपनी विभिन्न सोसाइटियों के माध्यम से जो हमारे लोग हैं वहां पर, हमारी एक पुलिस सोसाइटी है जो पहले उन्होंने चंडीगढ़ में सेवाएं दी, उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने लोगों तक खाना पहुंचाया है सोसाइटियों ने हमारे, उसके बाद हमने उन सोसाइटियों के माध्यम से सूखा राशन प्रोवाइड किया है, जो लगभग लगभग 2,000 से ऊपर हमने राशन दिया। उसमें हमारा जैसे चावल है, आटा है, तेल है, और मसाले हैं, चीनी है, साबुन है, मतलब जो घर की पूरी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, वो हम लोगों ने उन लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया। और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ होगी तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं इंसान को भुगतना ही पड़ेगा। हम मोदी जी का शुक्रगुजार हैं कि हमें देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने पब्लिक को, लोगों को एक
गांव से लेके मोहल्ले से लेके शहर से लेके उनको समझाने का जो उनका एक सरल और सीधा प्रयास था वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आज हर बच्चे के दिल में मोदी जी के प्रति इतना प्यार, इतना वो है, वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने हमें बोल दिया है, हमने तो करना ही बिल्कुल करना। ठीक और आपने नहीं जी, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। रावत जी जी हमारे साथ हैं, गुरबख्श जी वार्ड नंबर 9 की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं काउंसलर के रूप में। किस तरह से आपने इस चैलेंज को देखा जब आपको पता लगा और जिस तरह से देश बंद हो गया था 22 मार्च को, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी कि किस तरह से आप अपने वार्ड 9 को आप प्रॉपर रखेंगे इस पर? दीक्षित जी धन्यवाद। आज प्रकाश टीवी को बहुत बधाई देती हूँ इस कैंपेन के लिए। और जहाँ तक इस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, कोरोना पेंडेमिक का जैसे ही यहाँ पर पता लगा और जिस तरह से कर्फ्यू जो है इम्पोज कर दिया गया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, पूरे शहर के अंदर किसी को नहीं पता था क्या करना है। बहुत से लोग, क्योंकि हम एक वार्ड रेजिडेंट रेजिडेंट भी हैं और वार्ड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, समाज सेवी भी हैं, शहर से जुड़े हैं, तो अनगिनत कॉल्स आने लग गए। लोग इतने पैनिक थे। और एज अ काउंसलर, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सबसे पहली चीज मैंने ये सोची कि अगर मैं पॉजिटिव रहूंगी तो ही मैं अपने रेजिडेंट्स को भी पॉजिटिव रख सकती हूँ। सबसे पहली बिल्कुल अप्रोच मैंने ये रखी कि मुझे पॉजिटिव रहना है। ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर ये फाइट है, लड़ना है, तो हम सबने मिलकर लड़ना है, तो कैसे लड़ना। तो एक प्रमोशनल मैसेज यहाँ से और एजुकेशनल मैसेज, इंफॉर्मेटिव मैसेजेस जो है मैंने डालने शुरू कर दिए लोगों को। हमारा लॉकडाउन 1 में तो लोगों की एसेंशियल, सबसे पहले उनको उसके लिए बहुत ज्यादा होड़ लगी थी। दूध नहीं मिल रहा, सब्जी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, बिकॉज दे वर स्केयर टू कम आउट एंड दे वर स्केयर कि सब्जी वाले ने ये नहीं पहना, वो नहीं पहना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ मदर एट होम हैंडल करनी है, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो मैं कह सकती हूँ कि पूरे वार्ड को सिर्फ यही था कि इनको कॉल करना है, तो दे वर कॉलिंग अस एंड ऑल द लोकैलिटी वाज कॉलिंग। तो बहुत ज्यादा इस चीज को मैंने टारगेट किया कि मुझे बहुत पॉजिटिव रहना है, और अगर मैं पॉजिटिव रहूंगी, इस पॉजिटिवनेस को स्प्रेड करना है, लोगों को बताना है कि आपको, किसी को भी ये महामारी हो सकती है, लेकिन बचना कैसे। तो वो जो पैनिक था लोगों के अंदर, उसको मैंने जो है प्रिकॉशंस में, इंस्ट्रक्शंस जो है वो कौन से प्रिकॉशंस लें सो दैट दे कैन, आई मीन, सेव देमसेल्व्स, देयर तो क्या फैमिली। आपने इस पे एडुकेट किया लोगों बहुत को? ज्यादा मैंने उनको इतने सारे मैसेजेस डाले, और आउट ऑफ द बॉक्स जो हमने चीज की, जो पूरे शहर के लिए और पूरे देश के लिए एग्जाम्पल बनी, वो ये कि हमने अपने सेक्टर को, पूरे सेक्टर को हमने सीज किया, और खुद हर कोई आने जाने वाले को हमने थर्मल चेक किया, उसके बाद हर एक की गाड़ी, उसके पास जो भी चीज है, सब्जी वाला आ रहा है तो उसकी सब्जी रेडी, सब कुछ एक ग्रीन सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया, जो कि आप सभी जानते हैं कि पूरे शहर के अंदर एक एग्जाम्पल सेट हुआ। उसके बाद बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने, RWAs ने, काउंसलर्स ने आगे आकर इसकी सराहना भी की, और इसको अप्रोच करने के लिए, इसको अपने वार्ड में अप्लाई करने के लिए हर किसी ने जद्दोजहद की। उसके बाद 22 सेक्टर में हुआ, 27 सेक्टर में हुआ, 40 सेक्टर में हुआ, पीपल हैज जरूरत अप्रिशिएटेड। बनती मैंने कहा आप बनाइए। फिर मुझे कॉल्स, शिकायत की कॉल्स नहीं आई कि उसने मास्क नहीं पहना, उस सब्जी वाले ने ये नहीं पहना। मैंने उनको कहने जी लगी आपके पास है, आप दीजिए, आप लोगों की मदद कीजिए, तभी आप, हम सब मिलकर इससे सेल आउट करेंगे, हम सब इस एक पेंडेमिक। मोटिवेशनल फैक्टर भी कहा जा सकता है, और थोड़ा सा डाइवर्ट भी किया आपने उनको इस कोरोना के डर से कि आप इसे अलग हटाएं और इस काम पे लगें तो कहीं ना कहीं समाज की सेवा भी हो सकती है इससे। बहुत बढ़िया गुरबख्श जी, इसी संबंध में मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ प्रेसिडेंट महिला मोर्चा चंडीगढ़ से और वार्ड नंबर 4 से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं सुनीता धवन जी। नमस्कार मैडम, जैसा कि गुरबख्श जी ने अभी बताया और आपके पास तो महिला मोर्चा की जिम्मेदारी भी है चंडीगढ़ में, तो आपके पास तो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई होगी महिलाओं की। आपके पास तो बहुत ज्यादा महिलाओं ने मतलब परेशानी से गुजर रही होंगी, हर वर्ग से आपके पास महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो किस हालात में जाके आपने इन चीजों को कोप अप किया और क्या फाइट की क्या स्ट्रेटजी थी कोरोना के खिलाफ? मैम आपका अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है, जी जी अब आ रही हूँ। हाँ जी आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपकी पूरी टीम को नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने आज हमें ऐसा मौका दिया, घर बैठे हुए आप हमारे एक्सपीरियंस शेयर करवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वैसे हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जो आपके माध्यम से आज हमारा हो रहा है, बहुत ही सराहनीय काम है ये हमारा। मैं सबसे पहले उनको नमन करती हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आह्वान दिया था और हम सबने माना था।
मैं दीक्षित जी आपको बताना चाहूंगी कि कोई पैनिक यहाँ पर नहीं हुआ जब ये कोरोना का आया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही सहज भाव से हमें बताया कि लॉकडाउन होना है और हमने घरों पे रहना है। आप वो सीन याद करें जब उन्होंने बोला था कि थाली बजाकर हम सब ने अपनी छतों पे, बालकोनी में या गेट के बाहर थाली जी बजानी है, तो वो भी सबने बहुत ही खुशी से किया था। सब एक सबके एक्सप्रेशंस मैंने देखे अपनी गली में खड़े होकर कि सब उनको बहुत धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सारे मौत के मुंह से निकल रहे थे। और जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है कि यहाँ पर हुआ तो सही लॉकडाउन जब हुआ था, क्योंकि असेंशियल चीजें की कमी आ रही थी थोड़ी सी, तो पब्लिक को भी पता नहीं था कि हमने कैसे एडजस्ट करना है। लेकिन जी हमारे सारे काउंसलर और मेरी महिला मोर्चा की पूरी टीम मुझसे पूछती थी, मैम आज हमारे यहाँ वेंडर्स नहीं आए, लेकिन जो ये हमने CTU की बसेस का अरेंज करवाया था, बहुत अच्छा काम हुआ कि लेन में जाते थे, सेक्टर में जाते थे बसेस हमारी, और सारे बड़े आराम से डिस्टेंस मेंटेन करके मास्क लगा के वो करते थे। और एक बात मैं और बताऊंगी दीक्षित जी कि जब ये खाने का कुक्ड फूड का हुआ, वैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने डेली 75,000 52 हमारी किचन बनी थी पूरे चंडीगढ़ में, और हमने ये कुक्ड फूड हमने एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। ओके उसमें मेरे को महिला मोर्चा को बोला गया था कि आप अपना किचन, फिर मेरे प्रदेश अध्यक्ष दोनों पूर्व और वर्तमान में हैं जो संजय टंडन जी और अरुण सू जी, इन्होंने मेरे को बोला कि बहन जी अगर आप ये घरों से हम लोग खाना इकट्ठा करें तो बहनें बहुत अच्छी तरह से हमें बना के देंगी। और जी मैंने पूरी अपनी महिला मोर्चा को आह्वान किया कि हम अपनी अपनी लेन में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालें कि 3 पैकेट, और ज्यादा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 3 पैकेट महिलाओं की ये करीब कितनी स्ट्रेंथ रही होगी मैम, जो आपके साथ जुड़े इस फूड बनाने की मुहिम में? फूड बनाने की मुहिम में मेरे साथ मेरी पूरी टीम लगी थी। कम से कम हम 250 लोग जुड़े थे, क्या जो बात, 250 लोग जुड़े और कोई 50 कोई 100 मेरे घर में, मैं 37B में रहती हूँ, मैंने सिर्फ एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला। मैं जी सच बताती हूँ कि 1,000 खाना मेरे घर में आया। मेरे पास बच्ची रहती है, वो लेने के लिए बाहर गई, उनको बोला नहीं मैम को बुलाइए, मैं बाहर आई, उन्होंने मेरे हाथ में जो पैकेट रखे और मेरे को माथा टेका कि थैंक्स करते हैं कि आपने हमें ये ड्यूटी लगाई और इतना हम कर सकते हैं। तो मुझे मेरी आंखों में भी आंसू आए कि वाकई में हम एक गरीब का, हमारे देश में ही ये सब हो रहा है, बाहर हम कहीं देखें तो ऐसा कुक्ड फूड नहीं मिला। दूसरी जी बात, एक बहुत ही टचिंग मेरे को सीन लगा, मैं पार्क में थी, वहां पे माली ने नीचे मास्क गिरा हुआ था जो वो वाला होता है डॉक्टरी वाला जो ब्लू कलर का, तो जी जी उसने जी वो उसका फटा हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैं क्या भाई तूने ये ऐसा फटा हुआ क्यों डाला? वो कहता मैम हम लोग तो ले नहीं सकते, मैंने इसको धो के लगा लिया। उसके बाद मैंने मुहिम चलाई कि कोई बाहर नहीं फेंकेगा ऐसे मेडिकल मास्क वगैरह, तो मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह किया और उन्होंने भी मुझे बोला हम मैंने 5 लाख मास्क बनवाए चंडीगढ़ के लिए। अगर सोच अच्छी हो तो रास्ते भी बहुत अच्छे निकलते रास्ते खुल हैं, जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, खुल जाते। मैं इसी कड़ी में आना चाहता हूं। शीला देवी जी हमारे साथ हैं, एक्स डिप्टी मेयर रह चुके हैं, चंडीगढ़ वार्ड नंबर 5 से काउंसलर हैं। नमस्कार शीला जी, आपकी सेवा भाव से शहर कभी भी अछूता नहीं रहा, ये हम सब जानते हैं। कोरोना काल में आपने किस तरह से एक नए रूप में अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाया और किस तरह से फाइट को अंजाम दिया आपने? मैम अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें आपका फोन। जी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो कि आज हमें मौका मिला, और सभी बहनें आज एकत्रित हुई हैं और इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैंने अपने वहाँ पे वार्ड में वहाँ पे बड़ा ही मतलब ध्यान रखा है, हर चीज का सैनिटाइजर करवाया, सफाई करवाई है वहाँ पे, और हमें वहाँ पे सैनिटाइजर भी बांटे हैं, मास्क भी बांटे हैं वहाँ पे, हमें लंगर का भी सहयोग किया है हर चीज का। और हमारी आज लेडीज और महिलाएं, आज जैसे हमारी महिलाएं जैसे अभी धवन ने बताया भी, मोर्चा के भी हैं, काउंसलर भी हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, और अपनी मेयर भी राजबाला मलिक हैं, अपनी SSP उसने भी बड़ी मदद की है, वो भी मेरे एरिया में आती रही है, मतलब उसने भी बड़ा, उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपना। और सबने अपने अपने एरिया में बहुत ही ध्यान से मतलब काम किया है, लोगों को समझाया है, हर चीज पे ध्यान दिया है, जैसे सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी से डॉक्टरों को और इन नर्सों ने बहुत बहुत मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने बड़ी सेवा की है,
शीला जी, और लेकिन हमें एक गंभीर बीमारी जब आई तो कहीं ना कहीं डर का भी आलम था कि एकदम से कहीं, क्योंकि कोरोना तो किसी को देख के नहीं आ रहा था कि कोई पार्षद है या पुलिस है या आम आदमी है। कोरोना तो बीमारी है, वो तो किसी को भी लग सकती है। तो क्या कभी आपके मन में डर नहीं आया कि थोड़ा सा ध्यान हम भी रख लें, थोड़ा सा परहेज करें? या क्योंकि वैसे तो खैर आप अपने आप में, आपकी कर्मठता ऐसी है कि आपको कोई रोक नहीं सकता, पर कभी ऐसा फील आया हो, कभी कोई डर हुआ हो, या परिवार के लिए कभी कोई आपकी चिंता जाहिर हुई हो कि नहीं थोड़ा मैं लिमिट में रहती हूँ या थोड़ा सा अवॉइड करें, ऐसा कभी कुछ ख्याल आया हो? नहीं, ऐसा ख्याल नहीं आया जी, बिल्कुल निडर जी होके, बिल्कुल मतलब ख्याल नहीं आया, ना डर लगा। लोगों को भी अच्छी राय दी है दूरी बनाने के लिए, उनको भी हम साथ के साथ समझाते रहे, घर में भी मतलब किया, हमारे मेरे खुद बच्चों ने बड़ा सहयोग दिया और मेरा साथ दिया। एक छोटा सा पोता मेरा जब भी मैं आती थी जैसे बाहर से, वो भी कहता था दादी जी आप सैनिटाइजर करो, सैनिटाइजर करवाता था, बड़ा अच्छा लगता था। और जब जी भी कोई भी काम जाते, जैसे बाहर जाती थी, जब भी मुझे मास्क देते थे, कह रहे जी मास्क लगा के जाना है, बहुत अच्छा लगता था। घर परिवार से ही शुरुआत अच्छी होती थी, बिल्कुल और बाहर भी हमें बहुत अच्छा मतलब सहयोग करने का मौका मिला है। और जैसे अभी पहले बड़े एक्सीडेंट होते थे, बहुत अच्छी मतलब वो मिली है हमें इस चीज के लिए कि भी बहुत एक्सीडेंट भी कम हुए हैं, क्योंकि हमें ऐसा एक लॉकडाउन में ऐसा मौका मिला है। जैसे नदी है हमारी इतनी स्वच्छ होगी, हम उसमें से मतलब घर, जैसे पहले हमने करोड़ों रुपया लगाया उसपे, करोड़ों रुपए लगा के भी वो स्वच्छ नहीं हुई थी, और आज के टाइम हमारी नदी इतनी अच्छी हो चुकी, उसका इतना अच्छा पानी हम गिलास भर के भी पी सकते हैं। डॉक्टरों ने भी उसका मतलब चेक किया, लैब में भी कह रहे बहुत स्वच्छ पानी, बहुत अच्छा पानी। और हमारी प्रदूषण की जो चल रही थी यहाँ पे चंडीगढ़ में, जैसे हमारी मतलब ट्रैफिक थी, उसकी वजह से आज हमारे को अच्छी हवा मिल रही है और नदी का पानी अच्छा मिल रहा है। सारी चीजें हमारे को बहुत अच्छी मतलब मिली, और कुछ चीजें सीखने को मिली है हमारे को, हर चीज मतलब एक दायरे में। और जैसे लॉकडाउन में हमने कैसे मतलब रहना है, कैसे लोगों को सिखाना है, और हमने बहुत अच्छे से गाइड किया लोगों को भी, और लोगों में भी एक अच्छी मतलब निरता अच्छे से ढाली है, उनके मन ये में सबसे भी बड़ी बात कही आपने शीला दूरी जी, रहे क्योंकि पूरी लोगों रह में के। गाइडेंस जैसे होना जरूरी अभी है। पंद्रह दिन था उसमें भी आज जैसे खोल दिया गया है, खोलने के बावजूद भी हमने मीटिंग ली है लोगों को जाके अपने वार्ड में, अपने कॉलोनी में, जैसे धनाजी कच्ची कॉलोनी थी, मैं वहां पे गई थी, उनको अभी भी ये मतलब समझा के आई है, उनसे उनकी मीटिंग की है कि मास्क लगा के रहना है, मास्क के बिना नहीं मतलब रहना, और आपने मास्क लगाने के बाद अपनी दूरी भी बनाए रखना, दूरी बनाए रखो, उसमें बहुत मतलब उनके लोगों ने सभी ने माना है, और आगे भी ध्यान रखना है, ध्यान में रखिए ये सारी चीजें, आपने इनको मतलब करना भी है, समझाने के बाद सब ये अवेयरनेस कहीं ना मतलब कहीं जाना बहुत जरूरी है। जो कोरोना से बचने के नियम है उनकी पालना होना बहुत जरूरी है, तभी इससे फाइट कारगर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, आपने हमारे साथ काफी समय से एकता जी जुड़ी हुई है। एकता जी नमस्कार। एकता नाथिया नमस्कार जी, आप जी। हमारे साथ, मुझे पता है आप चंडीगढ़ जीरकपुर से आप पार्षद रह चुकी हैं, उसके अलावा अभी आपके पास जो जिम्मेदारी है वो जनरल सेक्रेटरी भाजपा डिस्ट्रिक्ट मोहाली की तरफ से है। मोहाली तो अपने आप में रेड जोन हो चुका था, क्योंकि जहां मुझे पता है आपकी जहां रिहायश है और जो आपका कर्म क्षेत्र है कहा जा सकता है, वहां तो सारंगपुर एरिया था जो कि रेड जोन में आ गया था बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक जो आपका रूप है उसमें कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन पक्का आई होगी कुछ ना कुछ। तो ऐसे में किस तरह से आपने अपने जो संबंधित सभी व्यक्ति हैं उनको किस तरह से आपने संभाल के रखा? देखिए, पैनिक सिचुएशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑल्दो हमारी सरकारों ने बड़ी कोशिश करी थी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके रखने की, उनको एजुकेट करने की, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों में पैनिक आना एक एक ह्यूमन नेचर भी है, तो वो हुआ भी था। सबसे पहले तो जो हम लोगों में यहाँ पे हमने जो काम किया, क्योंकि हमारे डेराबस्सी में और मोहाली में तो मतलब कई केसेस एकदम से आ गए थे, तो सबसे पहला काम जो लोगों को था जी, दूध नहीं आएगा जी, सब्जी नहीं आएगी जी, दाल कहाँ से आएगा जी, चावल कहाँ से आएगा जी, चीनी कहाँ से आएगी जी। तो विद इन 48 आवर्स हमने यहाँ 18 वेंडर्स को पासिस दिलवाए थे कि जहां से आपको अपना रोजमर्रा की जिंदगी, वेंडर्स भी, सब्जी वाले भी, फल वाले भी जो है अरेंज किए, जिनके पास सरकारी पासिस थे, वो हर सोसाइटी में आकर के प्रोवाइड करना। फिर जहां मैं रहती हूँ वो हमारा जो एरिया है वार्ड, ज्यादातर यहाँ पे अपार्टमेंट कल्चर है, एक एक सोसाइटी में ऑलमोस्ट 200, 250, 300, 400 परिवार रहते हैं। तो सबसे पहला काम हमने और जो किया वो ये किया कि अपनी सोसाइटी के गेट्स पे ही अपना कंट्रोल और अपना चेक पूरा किया।
हर गाड़ी पहले दिन यहाँ पर हमने जो है वो केमिकल और वो स्प्रे अपने बॉक्सेस ला करके रखे कि कोई भी गाड़ी सोसाइटी की, चाहे मेरी गाड़ी भी अंदर आती है, हर गाड़ी तो निकल ही नहीं पा रही थी, जो पासिस वाली गाड़ी थी वो आ रही थी जा रही थी, उनको प्रॉपर स्प्रे करके उनके ऊपर पूरा केमिकल से उसको क्लीन करके ही हमारी गाड़ी अंदर आती थी। पूरे हमारे जो है टेम्परेचर जो है सबके चेक होते थे, और ऐसा ही हर सोसाइटी में अरेंजमेंट किया गया कि कोई भी गाड़ी जो है वो बिना सैनिटाइज हुए अंदर या बाहर या एरिया में ना घूमे। मास्क ऑफ कोर्स जैसा भी मेरी बाकी बहनों ने कहा उस पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है कि मास्क पहले तो शुरू में तो बाजारी लेकर के बांटे, उसके बाद में हमारी बहनों ने बहुत संख्या में मास्क बनाए और वो बांटे गए। सैनिटाइजर्स भी जो है काफी संख्या में बांटे गए, और जो है उसके बाद महिलाओं से कहा गया कि आप अपने आप सैनिटाइजर भी बनाए। बहुत सी महिलाओं ने, हमारे यहाँ बहुत से परिवारों ने, बड़े संपन्न परिवार आसपास हमारे यहाँ रहते हैं, उन लेडीज ने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए खुद सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल बनाया और उसको जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट भी जो है किया। पर मैं बाकी मेन बातें जो सब बहनों ने कही काफी हद तक हमारी भी वही है। एक चीज जो है दिनेश जी मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप जैसे कह रहे हैं पैनिक था या पूरी मानवता पे ही खतरा था कोरोना का, अगर मैंने अब कभी अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले आत्मकथा लिखी तो मैं उसमें कोरोना युग को अपना जो है गोल्डन पीरियड के नाम से इसका टाइटल दूंगी। ये वो दिन रहे जिसमें मैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, और इनफैक्ट अपने साथ भी सबसे ज्यादा टाइम। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिविटी आई इसमें वो मुझे लगता है किसी और दौर में नहीं आई। हमने 500 किताबें पढ़ी होंगी, कोई किताबें पढ़ के पॉजिटिविटी आई जो कि इस दौर को जी करके आई। हम अक्सर, मैं अपने हस्बैंड से भी बात करती थी, मैंने कहा हम लाखों करोड़ों रुपया लगा करके घर बनाते हैं, अपने घर पे लगे पैसे तो मैंने इस कोरोना में ही वसूल किए, क्योंकि दो दिन की भी छुट्टी होती थी तो ये होता था कि जी कि जाओ और अपना कहीं घूमने चलो, आज हम कसौली जा रहे हैं जी, आज शिमला जा रहे हैं जी, आज राजस्थान जा रहे हैं जी, आज गुजरात जा रहे हैं जी, आज बाहर जा रहे हैं जी। घर में टिकने की जो बात थी वो खत्म ही हो गई थी। उसी वजह से हमारे स्ट्रेसेस आ रहे थे, कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं, कहीं कोई सुकून नहीं। कोरोना जो है क्या करना था जी, हमने तो समाज को क्या पॉजिटिव किया, लेकिन कोरोना ने हमको बहुत पॉजिटिविटी दी। मुझे ये एहसास हो गया कि मेरी जिंदगी क्षण मात्र की है, एक क्षण लगेगा मुझे खत्म होने में और ये मेरी 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 ये सब यही रह जाएगी। तो इसमें सीखा और आगे हमने यही प्रयास किया, सबको यही हमने बात करने की जो है, हमारे ग्रुप्स काफी, ऑफ कोर्स आजकल आईटी में सब रहते हैं कि ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, सब पेजेस में इकट्ठे हैं ग्रुप्स बने हुए, सबसे यही बात होती रही और हमें बड़ी खुशी हुई है देख करके लोग यहाँ पर पैनिक होने से ज्यादा पॉजिटिव रहे। सबको ये लगा कि हम अपने परिवार के साथ जो समय बिता रहे हैं वो अमूल्य है, कहीं ना कहीं जीवन जीने की नए रूप से प्रेरणा मिली जो आपने कहा। अभी मैं तो ये कहती हूँ सबसे, हम आज भी अपील करते हैं, आज हम थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं कि छुट्टियों में ये जो छुट्टियां थी, एक्चुअल में ये जो वेकेशन था, अपने आप समय बिताने का एक मौका जो हमें प्रकृति ने दिया, कोरोना ने दिया, इसमें ताश की गड़ियां बाहर निकल आई, कैरम बोर्ड को मिट्टी झाड़ करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सदियों बाद सांप सीढ़ी खेली। आप यकीन माने हमने तो इतने घीटे खेले छतों पे अपने परिवार के साथ, छत पे हमने स्टापू इतना खेला, रस्सा इतना कूदा, वो सब चीजें करी जो हम बहुत पीछे कभी बचपन में हुआ करती थी, या केवल गांव के ये खेल होके रह गए थे, शहरों से इनका नाता टूट चुका था। बिल्कुल, ये जो है चीजें, मतलब मेरे हिसाब से कोरोना युग आज का मानव डिजर्व करता था। हम लोग इतने अमानवीय हो गए थे, इतने हम दरिंदगी के दौर में जीना शुरू कर दिया था कि हमको परमात्मा ने हमें बताना ही था कि इंसान हो, इंसान बन के रहो, परमात्मा बनने की कोशिश ना करो। तो ये जो आया, मेरे हिसाब से मैंने तो समाज को अगर कुछ पॉजिटिविटी दी या नहीं दी मैं नहीं जानती, लेकिन कोरोना ने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी और हमने यही फिर आगे प्रयास किया। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी कोरोना में आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर भारत में हम सब जानते हैं कि स्वदेशी इसकी रीढ़ की हड्डी है, आत्मनिर्भरता यानी कि स्वदेशीकरण हिंदुस्तान का। उसमें हमने एक कैंपेन चलाया, एक संस्था भी हम चलाते हैं जड़ों से जुड़ो, उसमें हमने एक कैंपेन चलाया, एक व्यक्ति एक उत्पाद। यदि मैं आपसे कहूं दिनेश जी कि आप अपना जीवन का संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण करें तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत से हमारे सामाजिक, आर्थिक और मार्केट की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, आप शायद नहीं कर पाएंगे।
तो हमने ये कहा एक व्यक्ति एक उत्पाद। आप एक चीज का प्रण लें कि इस कोरोना की महामारी में देखते हुए कि हमारे देश ने कैसे इसको फेस किया और किस देश की वजह से ज्यादा हम सफर कर रहे हैं, हमारे लिए मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो एक व्यक्ति एक उत्पाद, तो बहुत से लोगों ने इस वक्त हमें बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि इस कोरोना काल में हमने जब ये कैंपेन चलाया आई लगभग मतलब हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोई कहता है कि मैं स्टेशनरी हिंदुस्तानी यूज करूंगा, कोई कहते हैं जी हम केचप टोमेटो केचप ऑल थ्रू आउट लाइफ ये यूज करेंगे, कोई कह रहे हैं हम सर्फ इस्तेमाल करेंगे, कोई कहता है हम एसी इंडियन यूज करेंगे। ऐसे करते करते कुछ स्कूल के जो है प्रिंसिपल चेयरपर्सन और वो सब भी साथ इस मुहिम में जुड़े, तो हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं इनोवेशंस आपने हर स्तर पर किया, जितना मैं अभी तक आपकी वार्तालाप से समझ पाया हूं, कि चाहे फिर वो जीवन को प्रेरणा देनी हो पॉजिटिविटी के रूप में, चाहे वो स्वदेशी अपनाने की बात हो, या फिर पुराने वो जो गेम जो कभी बचपन में या कभी हम गाँव में खेला करते थे उनको बाहर निकालकर उनसे एंजॉय करने की बात हो, तो बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं परिवार जुड़ा रहेगा तो सबसे जो छोटी इकाई है परिवार माना जाता है समाज का, तो जब परिवार जुड़ा हुआ है तो समाज जुड़ा है और समाज जुड़ा है तो देश को जोड़ने में तो फिर कहीं ना कहीं कोई बाधा आने का चांसेस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने एकता जी हमारे साथ हैं, काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलेश जी, कमलेश जी आप हमारे लिए आप आपका जो दायित्व रहा है अभी तक शहर में एक मेयर के रूप में रहा है, आप चेयरपर्सन है अभी सोशल वेलफेयर बोर्ड में, आपने कहते हैं कि आप एक सीनियर तो है ही हैं, अपने आप में आपने बहुत एक्सपीरियंसेस लाइफ के हर तरह के देखे होंगे आई एम श्योर, तो कहीं ना कहीं ये जो आप कोरोना महामारी आई जहां पे हम सभी इसी बात पर एक चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ये एक कोई कहता है डर था या कहीं कहते हैं कि पैनिक था लेकिन हमने उससे सुधार किया, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस किस तरह के हैं कि किस तरह से शहर ने और देश ने किस तरह से कोरोना को जवाब दिया अभी तक, कृपया अनम्यूट कर लें प्लीज। आगे जी आ रही है। सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कोरोना के दौरान किसी भी तरह से लोगों की मदद करी, चाहे वो खाने से, चाहे वो पैसे से, चाहे वो छोटी मोटी जैसे भी उन्होंने मदद की, उन सबका धन्यवाद। सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पे काम किया है, दोहराए नहीं है, जिसको मौका मिला है सबने किया और करना चाहिए था, ये एक इंसानियत है, इंसान को इंसान के ही काम आना चाहिए था, वो करा है तो उसके लिए तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं दिल से करती हूँ, क्योंकि हर इंसान ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जिसके जितना सामर्थ्य था। आपको ये बताते जिस प्लीज आप कोई भी इसको ना अपने अपने ऊपर नहीं लेना, सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, कोई बुरा ना माने किसी चीज का। मैं बताती हूँ मैं बाहर गई हुई थी, मैं अपने से बताती हूँ, मैं बाहर गई हुई थी घूमने, जब मैं वहां से निकली हूँ तो मुझे कहा गया कि हम लोग धार्मिक स्थान पे यात्रा पे गए थे, वहां से निकले तो लोगों ने हमें बोला कि आप जल्दी जल्दी निकलो लॉकडाउन होने वाला, निकलो निकलो निकलो। हम एक जगह रात को एक होटल में जहाँ रुके तो सुबह उठते उन्होंने बोला निकलो 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 निकलो, ठीक नहीं आई क्या, कहता जी लॉकडाउन हो रहा आप निकलो यहाँ से फटाफट लो। तो हम ये इस बात पे मैं खुद हैरान थी, पुलिस ने बोल दिया जाओ जाओ जल्दी जाओ, मैं इस बात पर हैरान थी अगर व्यक्ति बीच में फंस जाए तो कितना मुश्किल हो, जो सभी के साथ हुआ, बहुत सारी हमारे हिंदुस्तान की जनता के साथ यही हुआ, वो कहीं पर भी थे वो वहीं पर फंस गए, हम लोग तो चलो हिमाचल में थोड़ा आसान हो गया पहुंच गए। हमारा ज्यादा मकसद ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से परिवार को और समाज में जो आपका दायित्व है उस पे किस तरह से कोरोना के साथ फाइट किया, वो थोड़ा सा उस पे हमें बताएं। एक ये लगा वो बड़ा एकदम लगा जो नहीं होना चाहिए था, पर एनीवे जो लगा वो गलत था, जो भी हुआ। अब ये है कि जब कोरोना हो गया तो हम लोगों ने जो किया, एक तो लोगों को जैसे भी सबसे पहले तो यही था कि कौन कहाँ से आएगा, कहाँ जाया जाएगा, कौन कहाँ से क्या लेगा, तो सबसे पहले हमने लोग जो दुकानदार है या जो एनजीओज हैं या जो दान करता है उन सबका फटाफट एक फोन नंबर वगैरह लिए, और जो उस दौरान मदद करना चाहते हैं उन लोगों के फोन नंबर लिए, लोगों से मैंने खुद वीडियो बना के बोला भी है चलो जो भी एक आपदा आई है हमें सबको मिलकर उसका सामना करना है, तो क्यों ना हम वो लोग मुझे बताओ जो लोग अपना मदद करना चाहते हैं, उन लोगों ने अपने नाम भी दिए और जहां हो सका हमने उन लोगों की ड्यूटी भी लगाई आप ये काम करें। डॉक्टर रमन सोई जी हैं जो कि एचओडी हैं सुखमनी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डेराबस्सी से,
डॉक्टर साहब डेंटल कॉलेज के एचओडी हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तो मेडिकल जानकारी हम सबसे तो ज्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें थोड़ा सा बताएं कि जैसे इम्यून सिस्टम को लेके बार बार कहा जा रहा है कि स्ट्रांग रहना जरूरी है, तो ऐसे कौन से घर पे रहते हुए ऐसे कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, या ऐसा डाइट में क्या, डाइट चार्ट में क्या जोड़ा जा सकता है कि व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा माने कि हाँ मेरा इम्यून सिस्टम मैं ठीक कर रहा हूँ। रसोई में कुछ ऐसी चीजें शायद हम लोगों के पास होंगी ऐसी जिससे हम लोग घर में रहते हुए बिना ऐसी दवाओं या कैप्सूल के भी इम्यून को अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा आपसे। पहले मेरा आपके लिए नमस्कार, सबके लिए नमस्कार मुझे। हाँ ये है कि हमें घर पे इम्यून सिस्टम अपना अच्छा रखना चाहिए, हमें अपने विटामिन सी अपनी डाइट में रखना चाहिए। जैसे कि हमें सारे अगर हम विटामिन सी की टेबलेट लें तो उससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। विटामिन सी आप ऑरेंज फ्रूट्स में भी बहुत है, ऑरेंजेस लीजिए, कीनू वगैरह लीजिए, घर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, और जो भी आप मार्केट से सामान ला रहे हैं उसको वॉश करके काफी देर बाहर रखिए, कुछ देर बाहर पड़ा रहने दीजिए सन में, ताकि आप जब अंदर आए तो उसका बैक्टीरिया अच्छे से वॉश करके अंदर लेके आए। मैं यहाँ पे छोटा सा सभी की तरफ से एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे मौसम भी पलट रहा है, कभी गर्मी कभी बारिश कभी करके, कभी हमें एसी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है कभी ठंड लगती है, तो ऐसे में बहुत से चांसेस हैं कि खांसी हो जाना या बुखार जुकाम हो जाना बहुत नॉर्मल है, वायरल आ ही जाता है जब भी मौसम बदलता होता है। तो ऐसे में लोग पैनिक कर रहे हैं या हॉस्पिटल जाने से डर भी रहे हैं कि कहीं मुझे कोरोना के चलते ना बैठा लें, तो घर में रहते हुए इस चीज को किस तरह से देखें कि थोड़ा बहुत बुखार है या खांसी है तो उसको कोरोना से ना रिलेट करें या डरे ना? बिल्कुल उसको कोरोना से लिंक नहीं करना चाहिए। आजकल वेदर चेंजेस बहुत ज्यादा है, तो अपना घर पे अगर आपको फीवर हो रहा है, अपना नॉर्मल फीवर, कोरोना में हाई जाता है, आपको नॉर्मल फीवर है, कम है फीवर, पैनिक मत कीजिए, घर पे रहें, अपनी मेडिसिन क्रोसे नॉर्मल लें, स्टीम लें, सबसे बेटर स्टीम है इसमें, स्टीम इनहेलेशन इज वेरी गुड, स्टीम लीजिए, घर पे लीजिए, और थोड़ा सा अपने आपको अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है बच्चा है उनसे जरूर दूरी बना के रखें, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है बच्चों का और बुजुर्गों का। और आप एंटी एलर्जी टेबलेट खा सकते हैं, कुछ भी अगर आपको लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, एंटी एलर्जी कोई टेबलेट ले लीजिए, विटामिन सी बढ़ा दीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए, अपने हैंड वॉश प्रॉपरली कीजिए, और जैसे सबने कहा माउथ मास्क यूज करना है, कॉटन के माउथ मास्क यूज कीजिए, लेकिन वो 3 लेयर्स वाले हों अगर आपने बाहर जाना है तो, ये जरूर है कि 3 लेयर्स में माउथ मास्क हो जिससे ज्यादा हमें कंटामिनेशन होने से डर बचा रहता है। लेकिन हम यहाँ पे सोसाइटीज में हमने अवेयरनेस दी, उनको एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की, उनको कोरोना के बारे में अवेयर किया, ज्यादातर लोगों को सैनिटाइजर बांटने की बजाय हमने सोप दिए, बिकॉज हर कोई सैनिटाइजर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन डिटॉल सोप आप जितनी बार घर पे हैं हैंड वॉश अपने सोप से कीजिए, बिकॉज सैनिटाइजर आपके हैंड भी सारे ड्राई कर देता है बाद में। तो ज्यादा किस तरह के क्वेश्चंस आपको आए होंगे अधिकतर फोन जब आए तो कॉमनली क्या क्वेश्चंस होते थे अधिकतर कोरोना को लेके? यही था सबको कि डर पता नहीं, सबको तो यही लगता था अगर कोरोना हमें हो जाएगा हम बाहर निकलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है बाहर नहीं निकलना, तभी निकलिए जब आपको बहुत जरूरी है कुछ, ठीक है ना, और खांसी है हल्की तो बंदा अपनी टेंशन में आ जाता है कि मुझे खांसी हो गई है हम क्या करें अब, तो खांसी हो गई है आप विटामिन सी लीजिए, स्टीम लीजिए। सबसे जेपेडाइज सिचुएशन है हर घर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर इम्यून सिस्टम हिल जाता है या थोड़ी खांसी हो जाती है या फीवरिश फील करता है तो व्यक्ति अपने आप को कोरोना में कहीं ना कहीं गिरफ्त समझता है, तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो आ रहा है इसको किस तरह से फाइट करने की जरूरत है डॉक्टर साहब? बस यही है, आपको सिम्टम सबको अब ऐसा टाइम आ गया कि सबको कोरोना के सिम्टम्स पता है, सब डॉक्टर बनने के उसमें आ गए कि हमें सब पता, हम ही डॉक्टर बन गए हैं, सब पूछ रहे हैं कि हम ही डॉक्टर हैं, लेकिन आपको ये बताया कि कोरोना में कई बार सिम्टम्स आते भी नहीं है, आजकल कैरियर्स ए सिम्टोमेटिक पेशेंट आता है जिनको सिम्टम्स ही नहीं है, जैसे कि हमारे कईयों ने कहा कि सब्जी वाले हैं ये ज्यादा, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इनको पता ही नहीं लगता कि इनको अगर है भी है कुछ, ठीक है ना, तो घर पे हैं तो आप अपना पैनिक मत क्रिएट कीजिए, आपके पास अपना घर है आप आराम से एक रूम में रह सकते हैं, आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी डाइट को ठीक कीजिए। तो डेंटल फील्ड से है तो कहीं ना कहीं पेशेंट के साथ आपका जो इंटरेक्शन है काफी क्लोज रहता है क्योंकि आपका तो फील्ड ही डेंटल से है, और यहाँ कोरोना ऐसी चीज है कि जहाँ पे मास्क तक लगाना है और 2 गज की 2 मीटर की इस तरह की दूरी रखने की बात है, तो आप और आपकी टीम किस तरह से इंश्योर कर रही है कि आप लोग भी सेफ रहें और अपना काम भी आपका बखूबी चलता रहे? मोस्टली हम अभी डेंटल ट्रीटमेंट्स नहीं कर ले अनलेस एंड अंटिल इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट में एरोसोल्स बहुत ज्यादा होते हैं कि जो दोनों को
प्रॉब्लम दे सकते हैं पेशेंट को, डॉक्टर एज वेल। तो अगर है कोई प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, देन बहुत कुछ मास्क, पीपी किट्स, N95, N99 मास्क पूरा कवर होके तब हम वो ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हमें एयर रोटर यूज करना है, एरोसोल सारी पूरा एयर में फैल जाता है। तो अनलेस अंटिल कोई इमरजेंसी नहीं है, वी डोंट डील विद द पेशेंट। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा हमारे इस वेबिनार में कि जैसे मैम ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि N95 मास्क या और अच्छी क्वालिटी के मास्क, पीपीई किट और इससे कोरोना से लड़ने के तमाम वो चीजें जो इख्तियार की जाती हैं आप जब इलाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है कि जो सैनिक जब वो कवच पहनते थे, तलवार लेते थे, बंदूक लेते थे, तो वो तैयारी बेसिकली देखा जाए तो यही हमारा आज मुद्दा है कि कोरोना योद्धा के रूप में जिस तरह से आप आज देखे, आपने कहा कि ठीक है नेचुरल ट्रीटमेंट बहुत जल्दी नहीं होता है कि कोई इमरजेंसी इस तरह की हो, अनलेस अंटिल आरसीटी हो या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो किसी को तो ऑपरेशनल करना होता है या कुछ उस तरह के पैरामीटर्स लेने। लेकिन बावजूद आप जैसे डॉक्टर्स आज हमें इस तरह की सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम इस समाज में हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस बात पे। और मैं समझता हूँ सभी ने राजनीति से परे हटके, या एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकार हो, सबने इस बात को कहा है कि मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग या पुलिसकर्मी हो, इन लोगों ने या सफाई कर्मियों ने जिस तरह से योद्धा का एक जो रूप दिया, ये वाकई ये काबिले तारीफ बात है। डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हम सबकी तरफ से आपका बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप तैयारी करके और अपने पेशेंट को नहीं जाने दे रहे हैं और उनके लिए आप तत्पर खड़े हैं, ये काबिले तारीफ है। वी रियली अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स एंड जेस्चर्स जो आप अभी तक पैरामीटर्स मेंटेन करते हुए अपना रहे हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। और उसके साथ ही अब मैं जाना चाहूंगा हमारे साथ चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट से जनरल सेक्रेटरी हैं सरोज चौबे जी, काफी समय से हमारे साथ हैं। सरोज जी नमस्कार। सरोज जी नमस्ते। बताएं हमें कि आपका चैरिटेबल ट्रस्ट से आपका नाता है, तो किस तरह से आपने इस ट्रस्ट के थ्रू लोगों में सेवा भाव के दौरान आप पहुंचे और सहायता की? सबसे पहले तो मैं अर्थ प्रकाश के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस लायक मेरे को समझे कि यहाँ बुलाए। सर ऐसा है कि 25 तारीख के मोदी जी ने बोले नवरात्रि शुरू हुआ तो कि कम से कम 9 बंदे को खाना खिलाए। हाँ जी, तो उस दिन हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ ने मतलब ये संकल्प लिया कि जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे। उस दिन से डेली मतलब 200-250 बंदे को खाना बनाना, हाथ से बना के ले जाके कॉलोनियों में जगह जगह जहां हमें पता लगता था कि यहाँ लोग भूखे हैं वहां ले जाके उनको खाना भी खिलाते थे। जबकि मेरे सासू माँ मतलब बेड पे हैं, उनको भी केयर करना था, ये भी करना था, बच्चों का भी देखना था, सारे मतलब सबके बावजूद भी हम लोग अपने तन मन धन से मतलब पूरा कोशिश किए कि सबको जहाँ जिसको जिस तरह का जरूरत है हम उनको मुहैया करवाई। हाँ जी हाँ जी। और हस्बैंड ने 25 तारीख को ही मतलब अपने फेसबुक पे डाल दिए थे कि जिसको भी मतलब किसी चीज की जरूरत हो हमें इसे कांटेक्ट करें, हम उनको हेल्प करेंगे। जी। जिसका भी मतलब फोन आता था कि हमें मतलब इस चीज की जरूरत है, वहां हम जाते थे उनको मतलब मुहैया करवाते थे। सर मतलब जो भी हमसे बन पड़ा मतलब अपने तरफ से ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ जितनी जिसकी श्रद्धा हुई, हिम्मत हुई या जो जज्बा था उसके लिए आप हमेशा खड़े नजर आए, ये बहुत अच्छी बात है। मीनू जी हमारे साथ काफी देर से हैं। मीनू जी थोड़ा जल्दी से आप हमें बताएं कि किस तरह से आपने घर परिवार को समेटते हुए, सजग रखते हुए समाज में भी अपना अपने कार्य किया। मीनू जी आप तक आवाज आ रही है मेरी? रीटा जी मैं आपके पास आता हूँ। रीटा जी किस तरह से आपने घर परिवार को भी बांधा और जो समाज में आपकी जो एक छवि है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप हमेशा लोगों की सहायता के लिए खड़े रहते हैं, कैसा था ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्या कभी डर लगा आपको कि कोरोना के संकट काल में थोड़ा डर के रहे या निडर होके आप भी निकल पड़े? रीटा जी आप अनम्यूट करें प्लीज। रीटा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? रीटा सूद जी, जी आप अनम्यूट करें मैडम। जी नहीं अभी अनम्यूट नहीं हुआ है रीटा जी। हाँ जी सर।
ऐसा है कि पहले तो मैं आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम सब महिलाओं को अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने समय दिया। मैंने घर पर रहकर बहुत कुछ पॉजिटिविटी देखी इस दौरान में, वो इस तरह से कि मैं एक टीचर थी स्कूल में, फिर मैं रिटायर हुई एज ए हेडमिस्ट्रेस, उसके बाद मेरे को 5 सालों से घर में रहना और समाज सेवा वगैरह में काफी काम करने का समय मिलता रहा और मैंने समाज को बड़े पास से देखा। अब इस कोरोना टाइम में मैं लोगों को तो पहले देखती रही, पर मैंने इस बार अपने आप को पहचाना। पहचाना कैसे कि मैंने अपने अंदर को इस तरीके से जाना जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि अपना अपने आप को जानते थे कि वो किस तरीके से उनका जीवन है, किस तरीके से उनका व्यवहार है, ये सब उसको मैंने जाना। मैंने ये पहले पहले तो जैसे 25 तारीख को पता चला लॉकडाउन हो गया, कोरोना शुरू हो गया, तो बहुत घबराहट हो रही थी कि अब कैसे करें, पर मैंने अपने आप को योगा करके पॉजिटिविटी से जनरेट किया और मैंने इतना आसपास अपने लोगों को जो भी इधर फोन पर ही उनसे कहा कि आप योगा करो, काढ़ा पियो और अच्छी सोच करो, अच्छी किताबें पढ़ो। मैंने गीता का ज्ञान जानना चाहा, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा आता है गीता, तो पहले तो वो आर्मी में थे तो बिजी रहते थे, मैं भी बिजी थी जॉब में, पर उनके साथ बैठकर मैंने इस समय अपना आपका जो अपने आप को मैंने समझने की कोशिश की है गीता के द्वारा, वो बहुत अच्छी थी। और मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने आप को जान लें कि भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि पहले हम अपने आप को अच्छे से जानें, फिर हम दूसरों की तभी हेल्प कर सकेंगे, हमें पता चले कि हमारा शरीर है क्या, किस चीज से बना है, हमारी थॉट क्या है, हम किस तरीके से दूसरों को अच्छे विचार दें। मेरा ये कहना है कि केवल हम अगर अच्छे बने तो उससे कोई फायदा नहीं है, अगर हम साथ साथ में अपना ये दायरा बढ़ाएं, उसको और अच्छा बनाएं, ताकि दूसरे समाज को और फिर देश को और फिर दुनिया को फायदा हो। पूरा यूनिवर्स जब तक अच्छा नहीं होगा, अब आप देखते हैं कि किसी ने नदी में गंदगी नहीं डाली, किसी ने पेड़ नहीं काटे, सब अपने आप ही भगवान की कुदरत है, सब अपने आप ठीक हुआ। जब आज तक का प्लेटफॉर्म का डिस्कशन बिल्कुल रीटा जी यही है, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि योगा आपने किया और जितने आपके जानकार थे उनको भी आपने इसके लिए प्रेरित किया, उसके अलावा आपने गीता का पाठ किया, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है, भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई है गीता, तो अपने आप में ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस उपनिषद को भी। छोटे से समय में दो बात और कहूंगी कि मुझे ये लगता है हमने अपने इस दौरान में अपनी जो इच्छाएं थी उनको कम कर लिया, जैसे कछुआ अपने आप को अंदर समेट लेता है अपने आप, उस तरीके से हमें ना पैसे से मोह रहा, ना कपड़ों से रहा, ना किसी से, हमें सिर्फ अपने आप से और अपने परिवार से, समाज से ही रहा कि ये सब सुरक्षित रहे तो देश सुरक्षित होगा, तभी कल देखते हैं। अच्छी और कितनी पॉजिटिव बात है जो आपने आज बताई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात पे, जिस तरह से आपने गाइड किया, और आगे मैं समझता हूँ कि आगे भी हमें आपने जिस तरह से अभी जो दिन जिस तरह से आपने व्यतीत किए गीता पढ़कर, योगा करके और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और भी आपने तरीके अपनाए, हम सभी आगे ऐसे हैं। रंजना जी हमारे साथ काफी देर से हैं, रंजना जी माफी चाहूंगा, आप काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जल्दी से आपके विचार जानेंगे क्योंकि समय भी आप हमारा साथ छोड़ रहा है, भाग रहा है बहुत तेज तेज। फाइनेंस सेक्रेटरी RW 32, जनरल सेक्रेटरी हॉस्पिटैलिटी प्रॉफिट से रंजना अग्रवाल। मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, डे वन लॉकडाउन के डे वन जब पता चला न्यूज में कि सभी लेबर के लोग खाने के लिए परेशान हैं, तो बैठे बैठे आइडिया आया कि क्यों ना गली से लोगों से कांटेक्ट किया जाए, और सब लोग तो एक दो लोगों से मैंने बात की कि हम क्या अपने अपने घरों में 5-5, 10-10 रोटी बना सकते हैं, तो सबने ओके बोला और उसको पूरी गली में स्प्रेड कर दिया कि कम से कम 5 रोटी और सब्जी का एक पैकेट बना के दे। और मेरे घर में 60-70 लोगों का खाना मैं अपने घर में बनाती रही हूँ, और बाकी 250-300 खाने हो जाते थे डेली, और लोग बहुत बढ़ चढ़ के, जिन सब लोगों को मैंने एक एक पैकेट के लिए बोला था, पर कोई कोई 8-8, 10-10 और इतनी अच्छी पैकिंग करके लाते थे कि मतलब इतना कॉपरेशन गली वालों ने, सब लोग इस संकट के टाइम में एकजुट हो गए, और बहुत ही अच्छा लगा कि हम मतलब कोई भी काम मिलके करें तो कितना अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ भी मैंने जब पाया कि जो पुलिस वाले
ड्यूटी पे हैं, उन्हें चाय वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हमने चाय शुरू कर दी। चाय के साथ कभी मैं ब्रेड रोल बनाती थी, कभी ग्रिल सैंडविच बनाती, 200-250 चाय जाती थी मेरे घर से डेली, काफी टाइम जाती रही है। और उसके बाद जैसे पड़ोसियों ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, तो धीरे धीरे पता चला कि गौशाला का दिमाग में आया कि गौशाला में भी प्रॉब्लम होगी, तो गौशाला के लिए जो गौशाला के मेंबर्स थे जो सुबह मॉर्निंग में जा रहे थे, उनको मैंने एक मैसेज डाला कि मेरी तरफ से चारा डलवा दो। तो फिर सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो गौशाला का भी साइड टू साइड किया। और उसके बाद फिर लगा कि गली में लोग जो लेडीज कभी कभी निकल रही थी वो तो खाली पतली सी चुनी मुंह पे डाल के निकल जाती थी, तो फिर दिमाग में आया कि क्यों ना मास्क बना के इनको दे जाए। फिर मास्क बनाने का काम शुरू किया, अपने जितने भी लेडी टेलर्स थी उनको रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़े कम पैसे लेके और सिल के दो। तो करीबन 1000 के करीब मैंने मास्क बांटे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है मिस अग्रवाल की, आप चाहते तो कोरोना से डर के घर में रह सकते थे, बावजूद आपने राशन बांटने से लेकर लोगों को मास्क बनाने तक आपने इंस्पायर किया, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो आजकल एएसआई भूपिंदर सिंह जी हैं, भूपिंदर सिंह जी आजकल कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जी, उनका भी प्रोग्राम जगह जगह करवाते रहते हैं। मैं बहुत जल्दी से, समय अब जा रहा है, तो मैं हमारे साथ जो एक मिनट एक मिनट और कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा एक बार जल्दी से कि आने वाले समय में, शीला जी मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को अपने आप को कुछ बंधनों में रखते हुए कोरोना के लिए फाइट करना है, थोड़ा जल्दी से आप मुझे समअप करें प्लीज। मैं इस बारे में आगे के लिए कहना चाह रही हूँ, जो लॉकडाउन खुला है उसमें हमें आगे ध्यान रखने की जरूरत है। अभी भी बढ़ चढ़ करके कोरोना मतलब फिर आगे मतलब ज्यादा से ज्यादा निकल रहा, पहले से भी ज्यादा कोरोना आ रहा है। अब आप कहीं भी लेके चल लें, चंडीगढ़ से लेके यूपी से लेके दिल्ली से लेके मुंबई से लेके सारी जगह मतलब कोरोना ना मतलब ज्यादा और उभर के आ रहा है, उससे हमें ध्यान देने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। उसमें हमें कैसे रहना है, जैसे सैनिटाइजर करना है, मास्क लगाना है, दस्ताने डालने हैं, दूरी बना के रखनी है, हमें इन चीजों की जरूरत है। जैसे मैंने अपने वार्ड में बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा मेरे को समय दी जाए जी। तो उस टाइम में जैसे अपने वार्ड में जाती थी, वहां पे सबसे पहले मैंने अपने से ही बताती हूँ, मैंने मास्क बनवाए, मैंने उनसे कपड़ा लेके दिया, कई जगह जगह मतलब ना कपड़ा लेके दिया, मास्क बनवाए, और मैंने अपने वार्ड में मास्क बांटे, दस्ताने लेके आई, सैनिटाइजर लेके आई, उन लोगों को समझाया। जैसे कई राशन की जरूरत थी मेरे एरिया में, सूखे राशन की मतलब मदद की है, कई पैसों की भी मदद की है, जैसे कई मतलब पका पकाया खाने की जरूरत थी। इसी कड़ी में शीला जी मैं आना चाहूंगा, एकता जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं। एकता जी थोड़ा जल्दी से आप हमें बताइए प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, एकता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जो एक रिक्वेस्ट मैं सबको करना चाहूंगी कि जो आने वाला दौर है ये बड़ा क्रूशियल है हम सबके लिए, स्पेशली अगले 2 महीने एक बारी बढ़ेगा। इसमें एक चीज जो हमने इस दौरान भी पीछे भी महसूस करी है, लॉकडाउन के दौरान भी, अगर कोई पेशेंट डिटेक्ट हो जाता है कोविड का या फिर कोई क्वारंटाइन में जाता है, तो हम उस परिवार के साथ हम थोड़ा सा उसके साथ ना ओपरा व्यवहार करना, उसको जैसे दुश्मनी वाली हम देखना शुरू कर देते हैं। हमें ये चीज का ध्यान बहुत आने वाले टाइम में भी रखना होगा कि जो भी शख्स क्वारंटाइन किया गया है या जो परिवार का मेंबर कोविड में गया है वो ठीक होकर के वापिस आए, तो उसको एक नॉर्मल तरीके से वापसी अपने समाज में हम एक्सेप्ट करें। ये बहुत जरूरी हम सबके लिए है, क्योंकि हमने ये पीछे बड़ा फील किया कि जब क्वारंटाइन होता था तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ता था जी, कोई बात नहीं आप इनकी सपोर्ट करें जी। जी मैं जल्दी से सुनीता जी के पास आता हूँ। सुनीता जी आपके पास चूंकि प्रभार महिला मोर्चा का है, तो आने वाले समय में चूंकि बहुत सी महिलाएं आपसे ऑलरेडी जुड़ी हुई है, आप सीधा प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ रोज आपका वार्तालाप होता है, किस डर की स्थिति से आप वो गुजर रही है और उनको किस तरह से आगे आने वाले समय में अपने घर परिवार को बांधे रखने के लिए क्या जरूरत होगी, आप थोड़ा सा हमें गाइड करें इस पर। सुनीता जी वो करें प्लीज, अनम्यूट करें। हाँ जी आ रही है आवाज? जी जी आ रही है मैम, बिल्कुल सुन पा रहे हैं।
हाँ, मैंने चंडीगढ़ में जो मेरी बहनें, जो मेरी महिला मोर्चा की या मेरी जो भी नोन है, हम सब ने बांध लिया है कि कोरोना से ठीक है, आगे जो हमारे ऊपर ये दुख की घड़ी आई है, डरना बिल्कुल नहीं है। कोरोना कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है कि जो हमें ये कर देगा। अगर हम लड़ेंगे तो हम उसको मार गिराएंगे। ये हमारी पहले दिन से आह्वान है। हमने 7 सेक्टर में हवन किया था और तब हमने प्रण किया था, हमने डरना बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास जो ये स्थिति आई है, वाकई में आने वाले समय में हमें काफी इससे फेस करना पड़ेगा। क्यों ना हम मास्क पहने। अब बहनें जो हैं, गर्मी का मौसम है, जब भी कभी बाहर निकलती हैं, दुपट्टे से अपनी बॉडी को कवर करती हैं, इवन की फेस को लेकर भी कवर करती हैं। अगर हम ये मास्क डाल के चलेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। उसके बाद अगर हम 2 गज की दूरी बनाकर चलते हैं, मिलते हैं या किसी से भी बात करते हैं, तो भी हमें बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि वो कोरोना हमारे पास नहीं आ पाएगा। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी अपने सभी परिवारवासियों से और सभी देशवासियों से, यही मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर मैं करती हूँ, बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर जाएं, अदरवाइज ये स्टेप मत उठाएं कि ऐसे हम घूमने जा रहे हैं या हम ऐसे कुछ सामान लेने जा रहे हैं। खासतौर से बुजुर्ग जो 60 ईयर से ऊपर हैं या बच्चे 10 साल से छोटे हैं, उनको हम इस चीजों से दूर रखें, बाहर ना जाने दें। मैं एक बार फिर पूरे चंडीगढ़ वासियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर जाएं, नहीं तो मत जाएं। जब अगर बाहर जाते भी हैं तो घर आकर अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। सैनिटाइजर आप हमें कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सैनिटाइजर। मैं एक हादसा आपको सुनाना चाहूंगी। मैं कॉलोनी में गई, सैनिटाइज हमने दिया, वो लेडी को पता ही नहीं चला कि मेरे को इसके बाद किचन में जाना है कि नहीं जाना। तो एकदम से हमने उसको पकड़ लिया, फिर हमने उनको समझाया कि सैनिटाइज करके आग के पास कभी मत जाइएगा, हमेशा साबुन से हाथ धोइएगा। मेरा जहां तक मानना है कि बाहर कहीं आप रिक्शा वाले हैं या कहीं बाहर कर रहे हो तो सैनिटाइज यूज करो, घर पे हो तो साबुन का इस्तेमाल करें। इन चीजों से हमने बचना है और हमने कोरोना को भगाना है, मारना है, और हमने बिल्कुल निराश नहीं होना या दुखी नहीं होना। आई है बीमारी, उसका तो हम इलाज करेंगे। बिल्कुल ठीक है आपने, हमें निराश नहीं होना है। मैं कमलेश जी, मैं थोड़ा जल्दी से आप अपनी बात रखें, फिर हीरा नेगी जी हमारे साथ है, हम जल्दी से बस फिर इसको समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अब जो एरिया को अनलॉक किया गया है, जैसे वो जरूरी है, बापू धाम हो गया, शिला के एरिया में हम गए थे, धनास में कचिलोनी होगी, इन लोगों को अब जब खोला जाएगा, इनके साथ जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि इन लोगों को जो यहाँ लोग रहते हैं उन लोगों को अब लोग ना घृणा की या शक की उस नजर से देखने लगे हैं, और काम पे उनको जाने से पहले उनको बड़ा ही अलग नजरों से देखना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, ऐसा है। लोगों को एक गिल्ट फील हो रहा है कि हम लोगों ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है। तो हमें सभी को ये कहना चाहिए कि वो लोगों का एरिया बेशक वो हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी कोई उनको प्रॉब्लम आ गई है कि तुम उससे दूर रहो। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि एकता जी ने भी इसी बात को रखा है कि उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को रोजगार, देखो अभी 3 महीने से उनके पास रोजगार नहीं, अब जो समय आया है उनको 3 महीने और लग जाएंगे रोजगार पाने के लिए, क्योंकि लोग नफरत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जो है ना ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होना चाहिए कि उन लोगों को रोजगार के लिए ये ना कहा जाए कि तुम लोग बापूधाम से आए हो इसलिए रोजगार नहीं, तुम धनास से आए हो। हालांकि एडवाइजर चंडीगढ़ ने इस बात पे कहा है कि उन्हें जॉब पे रखें, उन्हें जॉब से ना निकालें। हमारे रामद्रवार में भी, रामद्रवार में पुलिस आके ये बोल के गई कि जो बापू धाम से जो लोग आ रहे हैं ना उनको किराए पे मकान नहीं देना। वो क्या क्रिमिनल थोड़ी ना, या वो गलत इतने थोड़ी ना कि तुम उनसे नफरत करने लग जाओ। तो ये जो बना दी गई है उसको रोकने की जरूरत है, और लोगों को रोजगार मिले उस तरह से हमें प्रशासन को भी सोचना चाहिए, और जो हम लोग लोकल लोग हैं हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उनको रोजगार दें, उनकी सेफ्टी सुरक्षा और उनकी आर्थिक मदद हम लोगों को करनी है, क्योंकि वैसे लोग काफी जा चुके अपने में इलाकों में चले गए हैं काफी लोग, है ना। तो अब क्या है कि जो रोजगार खुले हैं वहां पर भी लोग नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल ठीक है आपने कमलेश जी, मैं बहुत जल्दी निकी मैम से भी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूंगा। निकी मैम किस तरह से, जैसे कमलेश जी ने भी बताया, सुनीता धवन जी ने भी हमारे साथ शेयर किया, देवी जी बता रहे हैं, सभी एकता जी वो उन तक पहुंचाने में हम उनकी मदद करें। बिल्कुल नेगी मैम, थोड़ा जल्दी से आप हमें बताएं कि आगे आने वाले समय में किस तरह से देखना है सारी चीजों को। मैं ये कहती हूँ कि कोरोना से हमने डरना नहीं है, लड़ना है उससे। हमने लोगों से आह्वान करना है कि अपने घरों में रहें, कोई जरूरी काम है तभी हम बाहर जाएं, जितना सुरक्षित रहेंगे तभी हम इस कोरोना से बच पाएंगे। यदि हम बचेंगे नहीं तो करेंगे क्या,
जीवन है तो जहान है। यदि जैसा कि अभी कमलेश जी ने बोला कि हमें उस नजर से देखा जा रहा है कि बंद किया जा रहा है, यदि कोई पॉजिटिव केस आया है तो उसको हमने चार दीवारी करना भी बहुत जरूरी है। यदि जिसका जीवन उस कोरोना के पॉजिटिव केस में आया है तो हम उस पड़ोसी का जिंदगी बचाना भी हमारा काम है, उसका तो बचाएंगे बचाएंगे पर पड़ोसियों का भी विशेष ध्यान रखना है। हम इस पे चर्चा एक बार फिर से करेंगे जरूर। दीक्षित जी, मेरा कहने का मतलब है, विकास टीवी की तरफ से बहुत बहुत पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। सबसे बड़ी बात कि आपने अपने खुद के जो एक्सपीरियंसेस इस 2 महीने 3 महीने के लॉकडाउन में जिस तरह से रहे, फिर चाहे आपने अपने परिवार को या आपने समाज में अपनी जिम्मेदारियों के तहत रहते हुए जो निभाया, चाहे डॉक्टर रमन रहे हों, चाहे सुनीता जी रहे हों, रंजना जी रहे हों घर में रहते हुए, एकता जी, शीला जी, रीटा जी, कमलेश जी, हीरा नेगी जी और जो महिलाएं गुरबख्श रावत जी, इन सभी ने, आप लोग समाज को डिफाइन करते हैं। आज की डेट में अगर हम देखें, आज इस वेबिनार में हमने डिस्कशन किया, सभी के अपने अपने मुद्दों पर एक राय नजर आई कि हमें कोरोना को से लड़ना है और इसे भगाना है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अर्थ प्रकाश को बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं, सब व्यक्ति एक साथ खड़े नजर आए, सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे में हम सभी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिस निडरता से आपने समाज में एक एग्जाम्पल दिया है कि हम सबको एक साथ खड़े रहना है, ये वाकई काबिले तारीफ है। और हम फिर से एक बार कहेंगे, हमने पिछली बार भी कहा था कि नारी तो नारायणी को आपने बहुत बड़े लेवल पे जो सार्थक किया है, अर्थप्रकाश जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है, शुक्रगुजार है हम आपके कि हम समाज में रह रहे हैं जहां पे आप जैसे ही हमारे साथ कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में महिलाएं मौजूद हैं, माँ सिस्टर के रूप में मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी अर्थप्रकाश टीवी पर। धन्यवाद आपका, आपने हमें एक किया और यहाँ तक पहुँचाया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।